नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय परिषद ने भारत से कपास और सूती धागे के आयात की इजाज़त दे दी है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र को भी इजाज़त दी गई है कि वो भारत से चीनी का आयात कर सकता है। संभव है कि इस मामले में पाकिस्तान भारत के साथ संपर्क करेगा और इन फैसलों की जानकारी देने के साथ साथ व्यापारिक मुद्दों को और मजबूत करने पर चर्चा करेगा। इससे पहले मई 2020 में पाकिस्तान ने भारत से आयात होने वाली दवाइयों और रॉ मटेरियल पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया था। पाकिस्तान ने ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया था, जिससे कि मुल्क के लोगों को दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी अन्य चीज़ों की कमी का सामना न करना पड़े। दोनों देशों में तनावपूर्ण रिश्तों के बीच ये पाकिस्तान का भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बता दें कि पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान डे पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को खत और उसके जवाब में इमरान की तारीफ से पीएम मोदी को जवाबी पत्र के बाद रिश्तों में सुधार दिखने शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पर इमरान खान ने प्रतिक्रिया देते हुए जो पत्र लिखा, उसमें पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता भी भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोगपूर्ण रिश्ता चाहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंधों की नाराजगी जाहिर है। साल 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान और तिलमिला उठा था। पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। उधर भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।